अब गंगोही साहब से पूछिए कि ए वहाबी तबलीगी जमात के मुजद्दिद, ए वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात के कुतुबुल इरशाद, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? सफा नंबर 597 निकालो, 597। सवाल, जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को भी बुरा समझते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब होगा न अजाब? यानी रशीद अहमद गंगोही से शख्स ने सवाल किया कि ऐसा माहौल हो जैसे कि बम्बई का माहौल, बम्बई के माहौल में कौवा खाना क्या समझते हैं? हराम। और कौवा खाने वाले को क्या समझते हैं? बुरा। तो ये माहौल बताता है कि किसी शहर में ऐसा माहौल है कि कौवा खाना हराम समझते हो और कौवा खाने वाले को भी बुरा समझते हो, तो ऐसे माहौल में अगर कोई कौवा जुआ करके खाएगा तो उसको सवाब होगा या अजाब होगा? तो गंगोही साहब फरमाते हैं सवाब होगा। आपने कभी खाया कौवा? हमारे बाप दादाओं ने कभी खाया? हमने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे बाप दादाओं ने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे नगर दादाओं ने सुना, परदादाओं ने सुना? तो सरकार ने क्या फरमाया, तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी न तो तुम्हारे बाप। वो तस्करत झील लेवल। अब जब ये इबारत हम बताते हैं ना कौवा खाने की, हमने वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ये इबारत बताई कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने कौवा खाने को जायज का फतवा दिया है, तो तबलीग जमात वाले क्या दलील दाखिल करते हैं मालूम है? हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा खाने का जो फतवा दिया है ना, वो अफगानिस्तान का आखू नाम का कौवा होता है। क्या बोलते हैं? अब वापस वो इबारत लो, फतावा रशीदिया पेज नंबर 597 निकालो वापस। हमने एक जगह रात में वलसाड डिस्ट्रिक्ट में यही इबारत बताई तो ये तबलीग जमात वाले बेचारे मुंह लटकाए हुए इनके मुफ्ती साहब के पास गए कि हजरत हमने भी नहीं सुना था कौवा खाना सवाब हलाल तो दरकिनार बल्कि सवाब। तो मुफ्ती साहब ने कहा ये हमदानी धोखा देता है, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा हलाल बताया है वो अफगानिस्तान का अकुन नाम का कौवा होता है। तो वो फिर अकरे, अरे आज पकड़ेंगे हमदानी को, छोड़ेंगे नहीं, दबोच देंगे स्टेज पे, आप हमारे गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कर रहा है। अब दूसरे दिन आए फताह रशीदिया को बगल में दबाकर और हमारी तकरीर शुरू थी तो एक शख्स ने कहा जनाब आप तकरे बाद में करना, कल जो आपने जो कौवे वाली इबारत बताई थी वो बताइए। अब प्योर भी बदले हुए थे, पेश में बोल रहे थे। मैंने कहा क्या बोलो बोलो, जितने नजदीक आओगे उतनी ज्यादा पीटोगे। तो हमने ये इबारत बताई। अब आप गौर से देखो, इसमें कहीं अफगानिस्तान का नाम है नहीं, कहीं आकाब का नाम है नहीं, कहीं सफेद कौवे का नाम है नहीं, कहीं जंगल के कौवे का नाम है। तो मैंने कहा कि जनाब ये फतवा साफ है कि जिस जगह जागे मारूफा, देखो ये जागे मारूफा है ना, देखो ये जागे मारूफा, इससे मुराद है आम कौवा, जिसको हिंदी में हम कहेंगे प्रचलित कौवा, फेमस काव। क्या हुआ? अब आप देखो गौर से फतवा देखो कि जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब होगा या ना अजाब? इसमें मैंने कहा जनाब आप कहिए कहीं अफगानिस्तान का नाम तो नहीं है अकड़। बोले नहीं नाम नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन हमारे गंगोही साहब की मुराद वही है। वाह, मुराद वही, वो भी तुमको मालूम है, तुम्हारे पास इल्म गैब है। देखो यहीं भी फंसते हैं, एक तरफ से तुम ये कहते हो कि किसी के दिल का हाल मालूम करने वाला
किसी नबी और वली के इख्तियार में नहीं, और किसी ने ये अकीदा रखा कि नबी और वली किसी के दिल की बात जान लेते हैं तो वो भी आदमी मुशरिक है, तकवीयत ईमान कह रही है, तो आपको कैसे पता चला कि गंगोही साहब का मतलब ये अकक है? नहीं नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन ये अकक ही बुरा दे। तो मैंने कहा जनाब अगर अकक न हो तो हराम है। देखो आप समझो, तबलीग जमात वाले ये दलील करते थे कि इस फतवे में हजरत मौलाना गंगोही ने जो कौवा खाना कबाब लिखा है वो अफगानिस्तान का अक नाम का कौवा है। क्या है? तो इबारत में तो कहीं लिखा नहीं, अकक लिखा है। आप देख सकते हैं ना इबारत को सरकार। तो हमने उनको तसीरतुर रशीद की दूसरी इबारत बताई, अब ये इबारत आप भी देख लो। किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, इसके मुसनिफ है मौलवी मोहम्मद आशिक इलाही मेरठी, जो देवबंदी जमात का सबसे ज्यादा मोतमद मौरिक, और शाये करने वाले हैं मकतबा शेख जकरिया मुफ्ती स्ट्रीट सहारनपुर यूपी, जिल्द एक सफा 178। देखो जवाब, बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है अगर अक न हो तो भी उसकी हिल्लत में शुबा नहीं। दिखाएं, चलो पहले पूरा सवाल करो। सवाल, शरा का क्या हुक्म है कि कौवा देसी कौवा कौन सा होता है जो आमतौर से, हाँ शरा का क्या हुक्म है कि कौवा देसी जो उमूमन बस्तियों में पाया जाता है हलाल है या हराम है? फुकहा ने बाज मकाम पर कवे को हलाल लिखा है और बाज को हराम। अब ये जरा दरियाफ्त करना मंजूर है कि ये कौवा किसमें हराम से है या हलाल में? बैजरू तू जरू। जवाब, कुतुब फिका में तायुन अक्षा में गुराब में अल्फाज मुख्तलिफ है, मगर जब ये फैसला खुद कुतुब फिका में मजबूर है कि मदार उसकी खोराक पर है। बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है अगर ये अकब न हो तो भी उसकी हिल्लत में शुबा नहीं। तो मैं तबलीग जमात वालों से कहता हूं कि देखिए जनाब, मुसलमान परेशान हैं, गोश्त महंगा हो गया है, मछली महंगी हो गई है, सुनियों के नजदीक तो कौवा खाना हराम है, लेकिन आपके नजदीक तो कौवा खाना जायज भी है, सवाब भी है। खुदारा कल से कौवा खाना शुरू कर दो ताकि गोश्त सस्ते दामों पे मुसलमान भाइयों को मिलेगा। वाह वाह वाह, और इनको फायदा है। हम तो इनको फायदे की बात बताते हैं कि मुफ्त में गोश्त भी मिलेगा और ऊपर से सवाब भी मिलेगा।